नजारा है। इंडस्ट्री में 66 इयर्स कंप्लीट कर चुके देव साहब की नई फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च का, जिसकी स्टार कास्ट में है नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ और दिव्या दत्ता। इस फिल्म का नाम है चार्जशीट, जिसके प्रोड्यूसर हैं देव साहब खुद। अपनी फिल्म चार्जशीट के फर्स्ट लुक लॉन्च पर आए देव साहब शायद इतने चार्ज रहे थे कि जब जब पूछा जा रहा था जैकी से सवाल तो जवाब दे रहे थे देव साहब। जगू दादा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नसीर साहब के साथ एंड देव आनंद साहब? इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो रहा है। ये ग्राफ है, आदमी जाता है, रुकता है, रुका रहता है, फिर चलता है, फिर भाग दौड़ शुरू हो जाती है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर कंपटीशन आता है, फिर रुक जाता है, कई बीच में मर जाते हैं और कई चलते चले जाते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि जब सवाल पूछा गया जैकी श्रॉफ से तो देव साहब ने जवाब क्यों दिया। चलिए एक और बार ट्राई करते हैं और पूछते हैं फिर से वही सवाल जग्गू दादा से। जग्गू दादा, आपसे जानना चाहेंगे कि नसीर साहब और देव साहब के साथ जो आपने इस फिल्म में काम किया है, किस तरह की ये चार्जशीट है और आपका काम एक्सपीरियंस? ये था हमारा सवाल और ये है जग्गू दादा का जवाब। बात पूछो, ये सस्पेंस है। नसीर को ड्रिंक दो सारे लोग, कॉकटेल्स एंड डिनर, एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। अरे देव साहब, आखिर कुछ तो बोलने दीजिए जैकी श्रॉफ को। देखिए कैसे स्टेज पर सभी एक्टर्स हंस रहे हैं देव साहब का ये जवाब सुनकर, और नसीर भाई तो हंसते हंसते स्टेज से उतर के चले ही गए। ये बात पूछो, ये सस्पेंस है। शायद देव साहब थे काफी मस्ती भरे मूड में, पर हम भी हार नहीं मानने वाले। हम भी जैकी श्रॉफ से पूछकर ही दम लेंगे। बेचारे जैकी तो डर ही गए जब तीसरी बार उनसे ये सवाल पूछा गया। देखिए कैसे हाथ हिलाते हुए मना कर रहे हैं मीडिया को जवाब देने से। दादा, आपसे जानना चाहेंगे। घबराइए मत जैकी, अब आप बता ही दीजिए फिल्म के बारे में, ना सही तो देव साहब के बारे में तो बोल ही दीजिए। देव भगवान को बोलते हैं, मेरे लिए भगवान के लायक है, उनका हाथ मेरे सर पे, और मैंने इतनी सारी पिक्चर की, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मैं 3:40 से उठकर एक फिल्म एक्टर बनूंगा, और ऐसा मौका भी मिलेगा कि देव साहब के बाजू में बैठ सकूं मैं। आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल। चलिए आखिर में जैकी श्रॉफ को बोलने का मौका तो मिल ही गया। कुछ ऐसे ही मिलते जुलते विचार हैं नसीरुद्दीन शाह और दिव्या दत्ता के भी। फॉर मी टू रिसीव अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम मिस्टर देवानंद इज वाज अ बिग इनफ इवेंट इन माय लाइफ एज इट इज। I've been fortunate enough to receive that call thrice. And to hear Dev Saab's voice on the wire, the same voice I'd heard and imitated so often, his dialogue from Guide, I can still say a lot of it. I remember a lot of it. So I consider it a huge, huge privilege to be involved in his work, to be involved in his life in whatever little way I have been, and to be sitting bodily next to him, to be able to touch him. Just sitting right next to him, just touching him, my heart beats right now really fast, as it was when I saw Main Zindagi Ka Saath Nibhata Chala Kya. So thank you so much for that lovely phone call you made to me and asked me to be a part of this film. So kuch is tarah hua is film ka first look launch. देव आनंद साहब, हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि आप ही की तरह आपकी ये फिल्म चार्जशीट भी हो एकदम चार्ज्ड अप। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई।